शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत सरणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। एक विषय दिया था, उसी प्रकार का यह भी विषय अलग हो करके भी उससे अवश्य संबंध रखता है। यह एक लेख पढ़ा था, एक जज है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ न्याय करने में कुशल थे। सब लोगों को उनके न्याय निर्णय का आदर था, उनको बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में जनता स्वीकारती थी। एक ऐसा ही उलझा हुआ विषय उसके सामने आता है, उसके विषय में उसने काफी परिश्रम करके घोषणा तैयार की थी। जब वह घोषणा के लिए उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तो बस चालू करना था, उसकी स्मृति में वह कोई भी घोषणा रही। आप सुन रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। मैं इसलिए लौकिक उदाहरण दे रहा हूं और देता हूं ताकि आप लोग धर्म में भी क्या वस्तु है इसके बारे में सोच सके। कोई किसी को बाध्य करो तो वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी बाध्य करोगे तो इसकी इच्छा नहीं होती। तो वह विस्मृति से चकित हो गया, ये कैसी बात है, आज तक जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी, किंतु आज तो वह सामने घट रही है। भूमिका बन गई घोषणा की, किंतु स्मृति लुप्त हो गई। फिर इसके उपरांत दूसरे के इसके पीछे से हमने उसको प्रकारांतर से किसी को ज्ञात न हो इस प्रकार दूसरे काम करके उस दिन घोषणा के बारे में निर्णय के बारे में उसका मन थोड़ा सा हतोत्साहित जैसा हो गया। जज होकर के हतोत्साहित होना ये भी मायना रखता है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हो, विश्वविद्यालय में उसका अधिकार हो, प्रसिद्धि हो, आज तक वह प्रथम श्रेणी में आने वाला लड़का, अब यदि उसके स्थान पर दूसरा कोई आता है तो उसको उससे कभी वैर या द्वेष नहीं होता, किंतु आखिर क्या कमी रह गई जो मैं निकल नहीं पाया। तो उसी प्रकार उनको लगा, दूसरे दिन
करने का विचार था, उस दिन भी उसको सफलता नहीं मिली। तीसरे दिन तैयारी तो पहले से की हुई, उस दिन भी जाता है तो उस दिन भी उसको विस्मय होता है, स्मृति भंग होती है। याद करने की बात ही नहीं हो तो घोषणा करने की बात थी। पत्नी को बुलाया, ऐसी घटना घट रही है 3 दिन से। पत्नी तो वकील भी नहीं और जजमेंट देने की तो बात ही नहीं, लेकिन वो कहती है हम किताबी जानकारी नहीं लगते, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए संसार में कार्य होते हैं, अनेक कारण अपेक्षित होते हैं, केवल आप उस ज्ञान को ही मत समझे, उस ज्ञान को कोई भी रोकने वाला भी हो सकता है। तो क्या है, आपको क्या मालूम पड़ा? तो उसने कहा ऐसा होता है, सामने वाला व्यक्ति भी अपना अंतरंग से, वो इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, वो नहीं जानता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जानता है मैं झूठ नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है, मैं झूठ नहीं हूं और दूसरे को झूठ सिद्ध भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सत्य यदि सत्य के रूप में नहीं उभरता है तो लगता है हम अभी पढ़ाई में अधूरे हैं। जीत सको तो जीतो, इसको क्या जीतना, किसी के दिल को जीतो। हमारी विजय और हमारी हार ये निश्चित है। ऐसे घने कर्म किए हैं, सघन कर्म हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसके विपाक के बारे में जब सोचते हैं, ग्रंथों के प्रति अपने आप ही बहुमान हो जाता है। वर्षों पूर्व केवली भगवान ने, तीर्थंकरों ने घोषणा की, आज भी वह परंपरा से, आचारों से होते हुए हमारे सामने विद्यमान। बहुत आस्था के साथ आप लोग यहां पर शास्त्र दान के पेशा से सोचते हैं, क्या सोच रहे? नहीं, जिनवाणी है यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये विश्वास करना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है लेकिन उसकी तरंगे आकर के आपसे टकराएगी, और तरंगे यदि टकराती हैं तो जल की स्वच्छता होते हुए भी उसमें कुछ भी देखने को नहीं उपलब्ध होता। फिर इसको कैसा किया जाए, और इसके बारे में सोचिएगा। सोचना तो आपको है, घोषणा आपकी करना है। फिर बाद में वह और सोचता कि इसमें क्या हो सकता है।
कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम रहस्य रहता है, लेकिन रहस्य को कम और बड़ा सोचना ही गलती है, क्योंकि हम सोचते हैं अपने ही इरादा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। यदि उद्देश्य में कमी है तो निर्देशन में भी कमी होगी, यह शास्त्र कहता है। जहां उद्देश्य हो तहां निर्देश हो। हमारे उद्देश्य में कोई कमी नहीं होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति के उद्देश्य में भी कमी है तो वह हमारी कमी मानी जाएगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गृहस्थ है, क्योंकि वह धन के प्यासा है, आदि आदि कई बातें हो सकती हैं। इसलिए पहले की पंचायत और आज की यह न्याय की पद्धति में बहुत अंतर है, ये स्वयं सब लोग महसूस कर रहे हैं। इसमें अनुकरण नहीं होता, जिसको आप लोग गतानुगतिकता बोलते हैं। आज का ये युग अनुकरण करना चाहता है लिपि का, किंतु अर्थ भाव का वह अनुकरण नहीं कर पाता। इसलिए हमें यही कहना चाहिए, कोई भी ऐसा एक बिंदु है बताते हैं, हमने तो पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे संपादक महोदय अंत में ये कह देते हैं, इस पत्रिका में जो कोई भी विषय आए हैं, भिन्न भिन्न तरह के इसका मैं संपादन कर रहा हूँ, किंतु यह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है मैं कहना नहीं चाहता। उसी प्रकार घोषणा करने वालों को भी चाहिए कि मैं इसका लेखक नहीं हूं, किंतु मुझे दिमाग में जितना अर्थ आया उतना ही ठीक। इसलिए वह कहता है मैं इसका पूर्ण जिम्मेदार नहीं हूं, मैं चूंकि जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार आपको दे रहा हूं, किंतु उसका अर्थ क्या होना चाहिए यदि सही नहीं निकलता तो उस संविधान का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। ऐसा ये कहता है तो सामने वाला भी सोच सकता है, यह भी एक व्यक्ति आखिर छद्मस्थ तो है, पूरा ज्ञान तो रखता नहीं, रख सकता नहीं, तो फिर ऐसी घोषणा लेकर मैं छाती पर हाथ रख करके कूट कूट करके कहता हूं मैं जो कह रहा हूं वह अंतिम है। नहीं, आपका तो अंतिम तक पहुंचना तो बहुत कठिन है, अभी आप सेमीफाइनल में भी नहीं गए। इसलिए यह हमेशा हमेशा विश्वास रखने वालों को उद्देश्य के अनुसार ही देखना होती है, इसे समझ करके ही चलना चाहिए। फिर भी यही कहता हूँ, हरेक न्यायालय में गवाह की अपेक्षा होती, जो वहां पर उपस्थित रहे या न रहे फिर भी गवाह तो पहले चाहिए। अब हाँ,
तो उसको आपको किंतु उसका भी अर्थ बहुत गंभीर है और उसको रटाया जाता है। ये समझे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम थे क्या नहीं वहां पर? हम थे तो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये उसको रटाया जाता, ये इसलिए आवश्यक है जमानत के लिए बड़ी आवश्यकता होती। लेकिन वह जमा करके किया जाता है। इस आधार पर यदि निर्णय होता है तो आप ही समझ लो उसने कहां तक आसार है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन सार भी कहां तक है, ऐसे कहने से सार के भी अनुपात अपने आप हो जाते हैं। ज्यादा तो नहीं कह सकता, आपकी स्वतंत्र सत्ता है और मेरी भी सत्ता स्वतंत्र है, फिर भी आप सुनने के लिए बैठे तो हमने सुना दिया, समय आपका हो गया। माँ मतलब पत्नी की बात पर आज उनको थोड़ा सा भरोसा हो गया कि दुनिया के न्याय हमारे ऊपर ही सब नहीं है, उनका अस्तित्व भिन्न है, मेरा भी अस्तित्व भिन्न है। तो तीन दिन विस्मृति का होना दूसरा कोई कारण अवश्य है, उसको आप लोगों को खोजना है। सर्वज्ञ के दृष्टि में तो वह आ चुका है, अहिंसा परमो धर्म। आप उस स्थान की ओर ध्यान दे जहां पर यह आपके सामने रखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति का वह परिचित स्थान नहीं होते हुए भी कैसे वह कार्य होते हैं और कार्य करना पड़ता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। संसारी प्राणी मोही है, ये पक्का है। और गृहस्थ भी मोही है क्या? नहीं है, लेकिन ऐसे मोही नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा आपा ही खो जाए, जिसके द्वारा अपने आपके जीवन ही आपत्ति में आ जाए। मोह रखो किंतु उसके साथ साथ मोक्ष की ओर भी लक्ष्य रखो। ध्यान दयाला पाजे लक्षात ठेवून घ्या, ये है ना, ये लक्ष्य जो है हमारा मोक्ष है, फिर भी वर्तमान में कुछ मोह करना पड़ रहा है, किंतु वह मोह करते हुए भी हम सीधा रास्ता अपनाएंगे। अब देखो, अरबों रुपए का काम लेन देन जहां पर चल रहा है, कौन सा स्थान है वो? बैंक। अब उसमें कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनमें विशेष रूप से अपने अपने पद के अनुसार काम होता है। मुख्य रूप से आप लोग समझते होंगे अपने खाता वगैरह वही खोले होंगे, कैसा होता है वो काम। जो कोषाध्यक्ष के रूप में रहता है उस कोष को वही संभालता है, किंतु वह संभला हुआ रहता है। कैसे संभला हुआ रहता है? इसका 1 करोड़ का आ गया, इसका 2 करोड़ का आ गया, इसको 3 करोड़ का आ गया, इसको 5 करोड़ देना है, इसको ये देना है, ये सारा सारा सुबह से लेकर शाम तक वह करता रहता है। सब उसी के पास चाबी है,
चाबी होने मात्र से उसके पास चाबी नहीं आती, किंतु निगाह तो रखी जाती है। यह कितना 1 लाख रुपया मान लो उसका वेतन है। इसके अलावा उसके पास 1 पाई भी उधर में से इधर नहीं आ सकता। आ जाए तो क्या होगा, बाहर निकाला जाएगा। यह उसे एक प्रकार से ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं रखेगा तो काम ही नहीं चलेगा। और इस प्रकार हो जाए तो यह हमारा ही है। चाबी उसके पास होते हुए भी रकम निकलने का, रखने का आदि अपने व्यवस्थित कागज पर होता है, और उसमें यदि कोई गलती हो गई तो उसको उस आजीविका वृत्ति से ही हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए चाबी तो अलग मानी जाती है, और उसका मालिक कौन है तो मालिक तो सब जनता ही है, और कोई है ही नहीं। जनता के लेन देन यदि नहीं हुआ तो बैंक ठप चल ही नहीं सकता, लेकिन जनता का बैंक में रखे बिना भी काम चल नहीं सकता। इसलिए उसको भी वहाँ पर जाना पड़ता है, और ब्याज के रूप में उसको उपलब्ध भी होता है, कुछ देना भी पड़ता है, कुछ लेना भी पड़ता है। किंतु सर्वप्रथम आप उसमें खाता खोलोगे तभी मिलेगा, नहीं तो देखते रहोगे। इसलिए बैंक मैनेजर का या कोषाध्यक्ष का काम और मालिक का काम आदि आदि जो चलेंगे वो जनता के माध्यम से चलेंगे। अब उसकी जिम्मेदारी ये है, वो जनता कहाँ से आई है, कैसी आई है आदि आदि, इतने करोड़ रुपए वह देता रहता है, कभी 1 पाई भी कम नहीं होती। 1 रुपया भी कम हो गया तो अपने जेब से डालना पड़ेगा, और डाल दिया ये अपने जेब से, ये हुआ क्यों, ये गलती क्यों हो गई। 1 रुपये से लेकर के कितने भी हो सकते हैं उसमें, ये ज़्यादा आया कहाँ से, ये कम पड़ गए क्यों से। तो यह एक प्रकार से सावधानी है, ये एक प्रकार से मर्यादा है, ये एक प्रकार से कर्तव्य है। कर्तव्य के बारे में मैं कहाँ तक कहूँ, यह उसमें रह करके भी, जल में रह करके भी जल प्यासा भी रह सकता है, ये कहावत है। महाराज प्यासा कैसे रह सकता, खूब पीता होगा, वो खूब श्वास नहीं ले सकता तो खूब पी कैसे सकता, मुझे बताओ। क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो, आपके लिए प्राणवायु मिल रही है, और मछली को जल में रह करके उसमें से प्राणवायु को ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए जल उसके भीतर जाता है, उस समय हवा भी नहीं जाती और पानी भी नहीं जाता, उतना ही लेती है जितना आवश्यक है, लेकिन यद्वा तद्वा वह कर नहीं सकती, क्योंकि उसको जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए उसका उसका जो संग्रह है वह उसी रूप में हो सकता होता है। यह एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था से जो चलता है, सुनने में आता है जैनियों के ही पहले प्राय करके खजांजी, क्या बोलते हैं खजांजी, जिसको कोषाध्यक्ष संभालने वाले होते थे, इतना उनको उनके ऊपर इतना भरोसा रखा जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े मंत्री वगैरह भी उन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। हाँ वो बहुत सारे हैं, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पर आपको मिलेंगे, वामाचा भी मिलेगा, अमरचंद भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे।
इससे और वो यदि मांग करते हैं तो उसकी ओर भी जो राजा को ध्यान देना पड़ता था, वो एक प्रकार से यूं कहना चाहिए विश्वास पात्र होता था। इस विश्वास के माध्यम से ये सब कार्यक्रम चलता है, जिसके लिए या मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, वहाँ पर हमेशा हमेशा विश्वास ही काम करता है, श्वास नहीं। क्या कहा? श्वास लेना बंद हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए तो कभी कभी जो गाड़ी छोड़ता है अच्छी रफ्तार से जा रही गाड़ी, तो उस समय वह देखता है यह कांटा कहाँ पर आए ये देख लो, ज़्यादा गति देंगे तो गिर भी सकते हम, इसलिए उतना ही काम करता है। तो कभी कभी वह श्वास लेने में भी धीमी गति रखना है रखता है। और ये निमेश जिसको बोलते हैं पलके, कभी कभी वह पलके जल्दी झपकते नहीं है, यदि झपक जाए सब जाए। जाना चला का है हो महाराज, हाँ बिल्कुल बहुत मार्के की बात है ये। इस प्रकार वह अब यदि मान लो रात में गाड़ी चलाना हो तो उस समय वह कहता है भैया आज तो हमारी नींद नहीं हुई है, मैं तो अभी सोऊंगा। कैसे सो जाओगे? सोते हुए चलाओ। वो कहता है चला करके दिखाओ कैसे चलाया जाता। नहीं चलाया जा सकता, तो उसके लिए विश्राम देना आवश्यक होता है। फिर बाद में वह सो करके आ जाता है तो आप लोग भले ही सो जाओ गाड़ी में, वह चलाता रहेगा। आप इसी ड्राइवर के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो क्या होगा? जंगल में वहीं पर कहता भैया आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, तो हमारा आपके ऊपर कैसे विश्वास होगा? आप तो सो रहे थे। सोना अनिवार्य था, आप नहीं सो सकते, सो जाओ तो ठीक है, नहीं सो ठीक, लेकिन मेरे सामने मत सोना। ये समझे? ड्राइवर के पास आप देखने के लिए बैठ जाओ, उठो यहां से। क्यों? आप अपने गाड़ी चलाओ। नहीं चला सकूंगा। तुम उवासी ले रहे हो तो यह निद्रा का प्रतीक है, आपको झपकी आ जाए तो हमें भी आ जाएगी, इसलिए यहाँ से उठ जाओ। इसी प्रकार आज डांटना पड़ा हमें, क्योंकि डांट यूं कर रहे हैं यूं कर रहे हैं, अब मान लो बूढ़े हैं और गिर गए और नीचे रीढ़ के ऊपर चोटी आ गई, चोट आ गई, तो क्या करोगे बताओ? इसलिए व्यवस्था में आज हमारे सामने या पास आस पास नहीं आना, ये भामंडल है इसके भीतर कोई नहीं आएगा। सब अपने आप चल गया, बहुत अच्छा चला, बल्कि इसी प्रकार की व्यवस्था कर देना है, ध्यान रखो। तो वह कहता है कि ध्यान से मैं सोता हूँ और उतना ही सोता हूँ, मुझे चलाना है तो हजारों किलोमीटर वह गाड़ी को चलाते हुए भी समय पर पहुंच जाता है। अब देखो उठो 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 उठो, कौन सो रहा है? खाली करो ये गाड़ी को पहले। आ गई स्टेशन? हाँ आ गई, यही तो है वो। ओहो तब हुआ उठ जाते हैं, सही सलामत हम आ गए, ये आपकी कृपा रह गई। इसलिए बैंक में रहो या और अन्यत्र रहो, विश्वास काम करता है। इस विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, इसलिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो किंतु विश्वास नहीं छोड़ सकते। किसी का यह विश्वास मान लो घट गया या चला गया, उसको आप जीवित रख भी नहीं सकते।
क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है और श्वास के लिए उस श्वास के प्रति बहुमान भी रखना आवश्यक होता है। यदि नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वह फेल हो जाएगा। श्वास नाड़ी में फड़कन में अंतर आ रहा है, ये अंतर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा उसके उस जीवन के प्रति उपेक्षा होती चली जाइए। इसको संस्कृत में जिजीविषु बोलते हैं। जीने की इच्छा रखता है तो वही व्यक्ति जी सकता है। यदि जीने की इच्छा नहीं रखता है, पाचन शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई, रक्त संचार रुक जाएगा। रक्त संचार यदि रुक गया, वायु का श्वास लेना भी रुक गया, तो हार्ट अटैक क्या है? ये वस्तु यही तो है, वह एकदम छूट जाता है उससे। इसलिए आप अपने अयन में रास्ते में ही आप चलेंगे तो आप सीधे पहुंचोगे, नहीं है तो आप पहुंच नहीं पाओगे। पहुंचने के लिए ये आवश्यक है। यदि मान लो प्लेन में आप चल रहे हैं और एकदम या आकस्मिक घटना घट जाती है, ड्राइवर कहता है मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग कूदना हो तो कूद सकते हो। कूदने के लिए क्या व्यवस्था की है? बांधते ना, पहले सोचा तो वह बांधते हैं उसके माध्यम से। अब नीचे जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, यहां तो रहो नहीं, पहले कूदो। ये कूदने का साहस बूढ़ों में भी आ जाता है और जवान कहता अब मेरा चला गया, अब मेरा चला गया। अरे पहले जाने से भूल में तुम चले गए। इसलिए समुद्र में भी जा सकता है, खदानों में भी जा सकता है, भी आवान जंगल में भी जा सकता है, जहां पर हिंस पशु घूम रहे हैं वहां पर भी आपको वह गिरा सकता है। कोई बात नहीं, बच तो गया, अब दूसरे से और बचना है। इस प्रकार साहस से ही यह काम होता है। मोह के क्षेत्र में आप लोग बहुत कूदने के अभ्यास किए हुए हो, किंतु मोक्ष मार्ग में कूदने का भी प्रयास करो। आज रविवार है, अभी तो केवल नाश्ते में ही दे दिया, हम मध्यान्ह में देख लेंगे। अहिंसा परमो धर्म। आप लोगों ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। सही पूछा जाए 70-75 वर्ष हो गए आप लोगों को, स्वतंत्रता मिली, किसके लिए स्वतंत्रता पाई थी इसका आप लोगों को अभी भी बोध नहीं है। देश विदेश की ओर आप जाकर के देखोगे तो ज्ञात होगा। केवल हड़ताल करना, चक्का जाम करना, सरकारी वस्तुओं को दाह भस्मसात कर देना, अनेक प्रकार के ये दुर्घटनाएं केवल चुनाव को लेकर के ही होते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। यदि यह धारणा ठीक है तो आप बता दो, हाँ महाराज ये धारणा बिल्कुल ठीक है। यदि ऐसा है, संकल्प ले लूँ, राष्ट्रीय संपदा क्या है, उसके सामने हमारा कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय संपदा एक प्रकार से स्वतंत्रता है और अहिंसा का पालन है, व्यसनों का त्याग है। गांधी जी ने एक बार सत्याग्रह के समय पर यह तीनों बातें कही थी। मैं केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, किंतु इसके लिए भी आया हूँ, उसको मैं अवगत आपको कराना चाहता हूँ। क्या है स्वतंत्रता मिली, यदि और दो बातें बनती नहीं है
इस स्वतंत्रता का कोई भी सदुपयोग आप कर ही नहीं सकोगे। क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि गो हत्या बंदी होना ये उतना ही आवश्यक है जितनी स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता और गो हत्या ये बंदी होने के बाद भी यदि नशा बंदी नहीं होती है तो इस स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस में या रेल में आप लोग यात्रा जब करते हैं उस समय वहाँ लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध है ना, लिखा है। तो व्यक्ति एक व्यक्ति पुनः बीड़ी या सिगरेट पीने लगा, साथ जो बैठा था तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पर क्या लिखा है आप ही पढ़ लो, मुझे ये भाषा नहीं आती। क्या कह रहे हो? आपके कारण मुझे भी घुटन हो रही है, यहाँ पर धुआं मेरे भी नाक में आंख में चला जा रहा है, खर्च हमने किया है, आपको बैठना है तो बैठ सको, नहीं तो नाक बंद करके बैठो। ये किसका? ये स्वतंत्रता का फल है। जो व्यक्ति सार्वजनिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह भी बहुत बड़ा अपराध करता है। जिस प्रकार व्यवहार आप घर में करते हैं उसी प्रकार बाहरी व्यवहार भी होना चाहिए। नशाबंदी क्या वस्तु? ये तो छोटी नशाबंदी। आप लोग शराब आदि पिएंगे, हम पूछना चाहते हैं जिस प्रकार जो खड़े होते हैं चुनाव के लिए उनको कहा जाता है वही बात जो उसके अभिमत देने वालों के लिए भी समझ लेना चाहिए। शराब आदि नशीली चीज़ों का जो सेवन करता है वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वह व्यक्ति शासन कैसा कर सकेगा? लाखों व्यक्तियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किंतु आज यह 70-75 साल में ये देखने को उपलब्ध होता है, यद्यपि छुप छुप करके होता है, लेकिन अब वह समय आ गया, अब छुपने की बात ही नहीं। एक तरफ ये लिखा जाता है विदेशी शराब की दुकान, एक तरफ लिखा हुआ मिलता है देसी शराब की दुकान। ये खुल्लम खुल्ला होने लगा। गांधी जी ने इसीलिए कहा था यहाँ की दशा क्या होने वाली है, दोनों नशे में धुत हैं और वह स्वतंत्रता की बात करता है। गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता के चुनाव में जीतना बहुत आसान है, किंतु जीतने के उपरांत उसका अमल करना, सरकार को चलाना बहुत कठिन है, सोच लो। उस समय एक पंक्ति और लिखी है उन्होंने, उसका मैं आपके सामने अभी प्रसंग नहीं है, नहीं कहना चाहता हूँ। क्या? जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिससे शरीर रुग्ण होता है, जिससे अर्थ कमाया हुआ वह समाप्त हो जाता है, घर के कर्तव्य क्या है ये वो ज्ञात नहीं रखता है,
और बच्चों का पालन पोषण कैसा होता है ये उसके लिए कोई दायित्व नहीं है। तो पत्नी कहती है मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। क्यों? इस स्वीकार करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अच्छा सब बुराई बुराई आप देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। और विद्यार्थियों में यह आज नशा ही गड़बड़ कर रहा है। कई स्थानों में सुनने को मिला जितनी भी महाविद्यालय के बच्चे हैं वे ऐसे ऐसे नशा का सेवन करते हैं जिसके बाद उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगता, उन्हें और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जिस दिन एक दिन भी वह नहीं मिलता नशा का सेवन तो वह पागल जैसा हो जाता है। घर का न रहा है न घाट का रहा है। यह क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ अब तो आप नशेबंदी के बारे में, हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो नशाबंदी करने के लिए तैयार है। पंजाब में सबसे उन्नत प्रदेश यदि भारत का था, अब मैं नहीं मानता उसको, था, वहाँ पर ऐसी दशा है जो अमीर बच्चे हैं उनको इस नशे की लत पड़ चुकी है। इसको कोई भी, वह स्वयं चाहता है कि मैं इससे अब बचूं, बच नहीं सकता। यदि जहर खा लिया अपने भावुकता में, अब मुझे ठीक कर दो, अब तुम्हारा बचना संदिग्ध है। कोशिश मैं करता हूँ यदि बात बन जाए, किंतु बनना बहुत कठिन है। बहुत सारे ऐसे नई चीज है जो आप उससे उबर नहीं सकते, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। और भयानक आज जो कैंसर आदि कहते हैं ये इतने भी भयानक नहीं है जितने कि यह नशा की लत पड़ जाना। घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं। करोड़ों रुपए में एक किलो वह नशा की चीज मिलती है बताते हैं। सुनने में आया था अरबों का वह मामला था और इसी को निर्यात और आयात करने में अच्छे अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा उसमें नेताओं का भी हाथ है। यदि आप बोल सकते हैं तो आप सुनी हुई सही बात आप ये मुख से सुनिए, उसको कहने में हमें भी अधिकार है। क्योंकि इस प्रकार कहे बिना, भीत बिना प्रीत नहीं, यह कहावत है संस्कृत में कि भीत के बिना प्रीति का कोई मूल्य नहीं है। अब बहुत हो गया, पढ़ना लिखना आदि जितने भी हैं उसमें स्वतंत्रता मिल जाती है और उसके कारण ये सभी महाविद्यालयीन बच्चे उसके आदि हो चुके हैं। यदि आप नहीं अभी भी सजग हो तो आखिर क्या ही 15 अगस्त क्या है महाराज? क्या पता नशा में कुछ कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे। ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजा एक प्रकार से राष्ट्र के लिए अपने अपने धर्म की ओर आकृष्ट करता है। गांधी जी इसके भी विरोधी थे, धर्म निरपेक्ष का जो अर्थ निकाला जा रहा है यह अनर्थ की जड़ है।
धर्म निरपेक्ष का अर्थ धर्म को नहीं मानना नहीं है, किंतु हिंसा को धर्म मानना, पशुओं का वध करना आदि आदि इतने भयानक है, आज कोई भी वह संख्या बची नहीं। जिस समय यहाँ पर 20 करोड़ की आबादी थी लगभग, उस समय उससे दुगुनी पशुओं की संख्या भारत में थी, ऐसे कहते। चक्रवर्ती के समय पर यह लिखा हुआ है, तीन करोड़ गाय नहीं, तीन करोड़ गौशालाएं थी। तीन करोड़ गौशालाएं, 1000 गौशालाएं खड़े करने में आपको पसीना आ रहा है, ये कैसे? तो इसके बिना इस धरती की कृषि विद्या जीवित नहीं रह सकती है, ये कहा है। और यह महापुराण में वीतरागी संत ने उल्लेख किया है, अपने घर की बात नहीं लिखी, किंतु उस समय की बात थी जो युग के आदि में थी। तीन करोड़ गौशाला, एक गौशाला में कम से कम भी 10,000 एक व्रज माना जाता था, होती थी। अब 3 करोड़ को 10,000 से आपको गुणित करना है, आप अपने दिमाग से तो नहीं कर पाओगे। आज 1 करोड़ नोट को गिनने के लिए मशीन रखा है, आपके पास मन नहीं, बुद्धि नहीं है क्या? ऐसे गिनते थे, हमने ऐसे दादाजी को भी देखा। अब इधर उधर भी देखते थे वो, और ये करता था। आपको मशीन चाहिए, ये सब क्या हो रहा है? स्मृति भी चली गई है, स्मृति यदि चली गई लेन देन कैसे करोगे हमें बताओ? देने को तो लेओगे आप, और लेने को देओगे, कैसा चलेगा? इसलिए गांधी जी ने यह तो प्रतिज्ञा की थी, मैं यदि नेता के स्थान में आऊंगा तो अवश्य इन तीनों का ही पालन कराऊंगा, और जो नहीं करता मैं आगे का साहस नहीं कर पा रहा। गांधी जी कहते थे उसको जेल भेज दूंगा मैं, ऐसा कह रहे थे। इस प्रकार क्यों कहा आप लोगों को सोचना है। आप इसको जानते हुए भी अपने बच्चों को उन महानगरों में भेज रहे हैं जहां पर यही सब कुछ होता रहता है। सीमा पर सीमाओं से क्या आ रहा है आप लोगों को मालूम नहीं, अब उसको बंद कर नहीं सकते। जो बंद करने के लिए आगे आएंगे उनको भी वो ही पिला देते हैं, वो ही खिला देते हैं, और वो भी उसी लत में आ जाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा, स्वतंत्रता और ये बातें हो रही हैं, इसलिए आप अहिंसा के विषय में सोचिए। आज वह विदेशी औषधियाँ आ रही हैं जो एक प्रकार से आपकी धरती के लिए और फसल के लिए अभिशाप है।
आज प्रधानमंत्री महोदय ने कहा बताते हैं यहाँ पर जैविक खेती, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, ऑर्गेनिक, वो इंग्लिश भाषा में है ये। हाँ, इसको यूं कह दो, भारतीय कृषि विज्ञान के बारे में उन्होंने बात कही है जो आज की नहीं पहले की बात कही है। उसके बिना ये भारत कभी भी शांति का श्वास नहीं ले सकेगा। अब उनको समझ में आ गया, इससे पहले आते तो बहुत कुछ और काम करते, लेकिन आप मतदान किसको कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसको याद करने की बात है। उन्हीं व्यक्तियों को भेजा जाता वहाँ पर जैसे हम कहेंगे उसके अनुसार वहाँ पर बैठ करके काम करेंगे, लेकिन आज यह विपरीत हो रहा है। मतदान करते हैं शराब बांट करके, मतदान करते हैं नोट दे करके, और वह सपोर्ट भी करता और नोट भी लेता है, और ज्यादा ज्यादा कम कम नहीं करेगा तो सोट भी दिखाता, चुप रहो हमने इसको खरीदा है। ये सब क्या है, ये अच्छा नहीं है। पढ़ा लिखा होता नागरिक कहलाता है, नगरों में रहने मात्र से नागरिक नहीं होता तो गांव में रहने वाले तो अनागरिक है क्या? कोष में तो ऐसा मिलने लगा, नहीं, सबके लिए नागरिकत्व जब है तो आप नगरों में रहने वालों को ही नागरिक क्यों घोषित करते हो? लेकिन ध्यान रखो, नगरों में रहने वालों का जीवन गांव में रहने वालों के माध्यम से चल रहा है। वो यदि नहीं करते समय पर काम, बीज बोना और देखरेख करना, फसल ठीक ठीक ले आना और इन सब लोगों के लिए देना, ये कार्य आज तक अनाहत रूप से चल रहा है। किसानों का ये कर्तव्य आपके सामने है। ये कहते थे पहले और वो सही कहते थे, उत्तम खेती, बढ़िया लोग सुने, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी। नौकरी को कनिष्ठ क्यों कहा? कनिष्ठ का मतलब वो तीसरी दर्जा में आता है। क्यों ऐसा कहा? अरे ये ऊपर के पहले दोनों यदि नहीं होते हैं तो उससे कोई काम होने वाला ही नहीं है, और आज यह विपरीत यहां से चलती है। नौकरी करना उत्तम है, नहीं समझे? हाँ, खेती तो करना, कई व्यक्तियों के मुख से सुना, खेती तो जेनियों में कोई करता ही नहीं है, ऐसी धारणा बनी हुई है अच्छे अच्छे प्रवचनकारों के भी। तब ये सुना तो मुझे सलाह नहीं गया, हमने कहा कभी अपन अपने पन्नों को उठाए क्या? नोट के पन्नों को तो उठाते रहते हो, इसको भी पढ़ो पहले। तो फिर बाद में आकर के उन्होंने कहा, महाराज इस दिशा में हमने पढ़ा आपके कहने से, 10 स्थानों में लिखा हुआ है पहले उत्तम खेती ही होती थी और यह तीर्थंकरों की वाणी है।
शशास कृषादि सुप्रजा, प्रजा को कृषि आदि में पहले सर्वप्रथम शशास शासित किया था और आप लोग उसको मूल करी को मूल, उसका कोई महत्व नहीं रखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि ऐसी खेती जिसमें हिंसा नहीं होती है, इसलिए हिंसा से बचो। और अहिंसा ही हमारी कुल देवता भी है और हमारे आकुलता को मिटाने वाली देवता भी है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। स्वामी समन्त भद्र महाराज जी का यह जय घोष है नवीनाथ भगवान की, वे स्तुति कर रहे हैं। और स्वामी समन्त भद्र महाराज, आज स्वामी समन्त भद्र महाराज जी आ जाए तो आप भग जाए सब, क्योंकि इस अनर्थ को वो सहन नहीं कर पाएंगे। किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा साहित्य रचा है जिसको पढ़ने से ज्ञात होता, ऐसा ही परम ब्रह्म रूप में देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ध्वजारोहण के दिन अहिंसा परमो धर्म की यह पहला जयकार लगाया जाता है। उधर कुछ नहीं कह रहा, सुबह पहले तो रुको रुको, लौट चलो लौट चलो लौट चलो। कहाँ चले गए थे, लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। ये बात, ये नारा हमारा वह केंद्र तक पहुंच जाए, ताकि जो वहां पर 15 अगस्त मना रहे हैं उनको भी सुध आ जाए कि भारत की पहचान ही समाप्त हो गई है। ज्यादा नहीं कहता हूं, इतना पर्याप्त समझता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आए, मैं पास से नहीं आया, मैं बहुत दूर से आया। और सारे संसारी जीव बहुत दूर दूर से आए, निगोद की यात्रा से यहाँ तक आई है। जनता को ऐसा कुछ मिल जाए मंत्र जिसके द्वारा उसको भी उस ओर पुनः जाना न पड़े, इस प्रकार भारत को स्वतंत्र रख करके केवल भारत के बारे में आप सोचोगे, विश्व के कल्याण के बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसा निश्चित करो। यदि भारत है तो विश्व का गुरु है, गुरु नहीं है तो विश्व क्या काम करेगा। इसलिए आप लोगों को दायित्व दिया गया है कि अच्छे कार्य करो, और अपने लिए ही नहीं करो, सबके लिए करो। अहिंसा परमो धर्म की जय।